हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों, मैं हूँ पूजा। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट बनाने का सबसे सही और आसान तरीका। अगर आप भी बचत करना चाहते हो या चाहती हो और काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी आपकी बचत नहीं हो पा रही है, तो आप बजट बना सकते हो। बजट बनाने के लिए आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ होने चाहिए और आपको एक डायरी लेनी है या फिर आप कोई भी प्लेन कॉपी भी ले सकते हो। आपको पेन लेना है, साथ में आपको अपना इनकम, उसके बाद अपना एक्सपेंस, एक पेज में आपको अपना इनकम मेंशंस करना है, एक पेज में आपको अपना एक्सपेंस मेंशंस करना है कि आपके यहाँ पर कितनी आमदनी है और किस किस जरिए से आमदनी होती है। बहुत सारे लोगों को सैलरी मिलती है, बहुत सारे लोगों का बिजनेस है, बहुत सारे लोगों का साइड बिजनेस भी होता है। खर्चे की बात करते हैं, अगर आप फैमिली वाले हो, आई मीन आपकी ज्वाइंट फैमिली है, तो आप सारे लोगों की राय लो, तभी आप बजट बनाओ। सबसे पूछो आपको क्या ज़रूरत है, आपको कितना पैसा चाहिए, फिर पॉकेट मनी आप कितनी देती हो, इन सबको आप नोट डाउन करो। क्योंकि फ्रेंड, आपका जो खर्चा है वो एकदम फिक्स हो जाता है कि सिर्फ हमारे पास इतने ही पैसे हैं जिससे हमें अपना पूरा महीना निकालना है। और बात करते हैं बजट की, तो आप अपना पर्सनल बजट बना सकते हो या फिर आप मंथली बजट भी बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मंथली बजट लेकर आई हूँ, आई होप आपको अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड, मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। देखिए बजट बनाने का सही तरीका, तो सो फ्रेंड, इस साइड है इनकम आमदनी, इस साइड है एक्सपेंस खर्च। सबसे पहले बात करेंगे हम इनकम की, तो फर्स्ट है आपका सैलरी। अगर आप जॉब करते हो तो आपको सैलरी मिलती होगी, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड इंटरेस्ट, अगर आपके बैंक में पैसे आपने रखे हैं तो उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट तो मिलता ही होगा। थर्ड पे है हाउस रेंट, बहुत सारे लोग अपना घर बना देते हैं, साथ में किराए पर भी देते हैं वो, जैसे कि 2 से 3 फ्लोर उन्होंने बना दिया, एक फ्लोर में खुद अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, बाकी 2 फ्लोर उन्होंने रेंट पे दे दिया है, तो इससे भी उनकी इनकम हो जाती है। और आज सो फ्रेंड, आजकल इस टाइम पर काफ़ी मस्ट बिजनेस है ये, क्योंकि आपको एक ही बार इसमें पैसे लगाना पड़ता है, बट आपको पूरी लाइफ बैठ कर खाना पड़ता है, मीन्स आपको पूरी लाइफ तक इसका किराया मिलता रहेगा। बात करते हैं फोर्थ की, है प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई भी इन्वेस्ट किया है कहीं पर भी, तो आपको उसकी जो प्रॉफिट होगी आप उसे रख सकते हो आमदनी में। 5 पे है ऑनलाइन बिजनेस, बहुत सारे लोग ऑनलाइन सेल करते हैं, फिर रीसेल करते हैं, बहुत सारे लोगों का यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे बिजनेस करते हैं, उनका भी आप ले सकते हो ऑनलाइन बिजनेस। 6 पे है साइड बिजनेस, साइड बिजनेस का मतलब ये है कि आप प्रॉपर्टी डीलर का भी काम कर सकते हो, अगर आप हाउसवाइफ हो, ठीक है, या फिर आप जॉब करती हो, साथ में आप स्टिचिंग वगैरह का भी काम करती हो, तो आपका वो साइड बिजनेस हो गया। बात करते हैं हम इस साइड एक्सपेंस की, आई मीन्स खर्च की, तो सबसे पहला जो आपका एक्सपेंस होता है वो है मंथली एक्सपेंस, ये फिक्स होता है। साथ में आपकी पॉलिसी हो गई, अगर आपने कोई LIC वगैरह कराई है तो उसके लिए, साथ में स्कूल फीस हो गई आपकी बच्चों की, हाउस हेल्पर अगर आपने रखा है तो उसको देना पड़ेगा आपको, कार सर्विस के लिए आप निकाल सकते हो, साथ में मेंटेनेंस, जैसे घर का अगर कुछ भी आपका खराब हो चुका है, RO खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गई, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, या फिर आपके घर का पेंट वगैरह कराना है आपको, तो वो मेंटेनेंस पे आ जाएगा, इसके लिए भी आप रख सकते हो और इसे अपने बजट में आप ज़रूर रखें। उसके बाद है मिल्क, और मिल्क से तो काम नहीं चलेगा, चाहे बेबी हो तब भी, ना हो तब भी। बात करते हैं नेक्स्ट की, है लाइट, ठीक है, लाइट बिल भी आपको देना पड़ेगा, वाटर बिल हो गया, ग्रॉसरी हो गई, साथ में फ्रूट प्लस बेजी हो गया, उसके बाद स्नैक्स भी हो गया, बिकॉज आपको अगर बेबी है तब भी स्नैक्स लेना है, अगर आप लोग हो तब भी टी के टाइम स्नैक्स तो लेते ही होंगे। उसके बाद लास्ट और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है मेडिसिन, इसके लिए भी आपको अलग से अपना जो खर्चा है उसे लिख कर रख लेना चाहिए। बात करते हैं हम एक्स्ट्रा की, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि है ट्रिप, कभी भी हमारी ट्रिप बन जाती है, हमें जाना है, अगर आप कहीं पे भी आपको जाना है तो आप 4 से 5 महीने पहले ट्रिप बनाते हो, बट कभी आप अनप्लान ट्रिप कर लेते हो कि भाई प्लानिंग नहीं है, बस हमें चला जाना है, मंदिर जाना है, पिकनिक पे जाना है बच्चों के साथ, तो आपकी अनप्लान ट्रिप होगी, उसके लिए आप तैयार नहीं होते फाइनेंशियल से, तो इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा हर मंथ आप निकाल के रखोगे अपने खर्च में से, तो अच्छा खासा अमाउंट आप इसमें भी जोड़ पाओगे। बात करते हैं इसी में एक्स्ट्रा एक्सपेंस में बर्थडे हो गया, किसी का भी बर्थडे हो गया, चाहे आपके घर में हो गया या फिर आपके रिलेटिव्स में बर्थडे हो गया, किसी की एनिवर्सरी हो गई, ठीक है, किसी के बेबी वगैरह हुआ है, तो उसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे भी आपके खर्चे होंगे, तो इस चीज़ को आप खर्च में कर सकते हो। सो दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि जितने सारे पॉइंट होते हैं उनको मैं कवर करूँ, और आप देख भी सकते हो बहुत सारे लोगों का खुद का घर होता है तो उनको रेंट नहीं देना है, बहुत सारे लोग रेंट पर रहते हैं तो उनको रेंट देना पड़ता है, आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हो।
बात करते हैं हम मंथली एक्सपेंस की, तो इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे कि ईएमआई होगी आपके कार की, ठीक है, घर की ईएमआई हो गई, या फिर अगर आपने बाइक वगैरह ली तो उसकी ईएमआई हो गई, आपका काफ़ी सारा इसमें आ जाता है। साथ में पॉलिसी, स्कूल फीस, हाउस हेल्पर, आप हाउस हेल्पर ना रह करके खुद से भी काम कर सकते हो, साथ में कार सर्विस हो गई, मेंटेनेंस हो गया घर का, मिल्क हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, ग्रॉसरी हो गई, फ्रूट प्लस बेजी हो गया, स्नैक्स हो गया, मेडिसिन हो गया। आप इसमें स्नैक्स में से भी कुछ माइनस कर सकते हो जिससे कि थोड़ा आपका लिमिट हो जाएगा। और जितने सारे आपके एक्सपेंस हैं इन सबको आप टोटल कर लीजिए आपका कितना अमाउंट होता है। अगर आपका अमाउंट 50,000 हो रहा है एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, और आपकी जितनी सारी इनकम है इन सब, क्योंकि सबके पास तो इतनी सारी इनकम नहीं होती, किसी किसी के पास सिर्फ सैलरी होती है, किसी के पास हाउस रेंट ही होता है, सो आपकी जितनी सारी इनकम है उसको टोटल कर लीजिए। अगर आपकी इनकम भी 50 है और आपका खर्च भी 50 है तो आपको अपने खर्च में से काफ़ी सारी चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। आप कोशिश करें कि आपका खर्च जो है वो 35 तक ही पड़े या फिर 30 तक पड़े, जिससे आप 15,000 से 10 से 15,000 रुपये हर महीने सेव कर पाओ, क्योंकि आप आज जो सेविंग करोगे वही पैसा कल आपको सेव करेगा। इस चीज़ को आप अपने माइंड में सेव कर लो। सो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से रही आज मेरी वीडियो। सो फ्रेंड, ये रही मेरी आज की वीडियो, बजट बनाने का सही तरीका। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करो, जिससे टाइम टाइम मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।